हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक फिश टैंक, एक एक्वेरियम आप घर में इन अ वेरी फ्यू इजी स्टेप्स कैसे बना सकते हो। ये वीडियो हम लोग क्यों बना रहे हैं कि क्योंकि फिश टैंक तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, मार्केट में तो मिल ही जाएगा, कस्टमाइज साइज भी मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर किसी भी एक्वेरियस्ट से बात करोगे दे विल टेल यू फिश कीपिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव हॉबी। आपको अगर प्लांटेड टैंक बनाना है इट इज़ एक्सपेंसिव, अगर एक्वास्केपिंग करना है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है, और नेचर टैंक बनाना है तो बहुत ही ज़्यादा है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ टैंक। आप अगर नया फिश कीपिंग करने जा रहे हो तो आप टैंक लगेगा, आप अगर एक्सपैंड करना चाहते हो, आप ऑलरेडी फिश कीपर हो, आपका कलेक्शन एक्सपैंड करना चाहते हो, या आपका फिश के लिए टैंक छोटा पड़ रहा है, आपको नया टैंक लगेगा। और ये जो दुकान में आपको मिलता है इट इज़ मार्क्ड अप बाई एटलीस्ट 3 to 5 times। ग्लास का जो कॉस्ट होता है, लेबर का और सिलिकॉन यही तो लगता है, तो इसका जो कॉस्ट होता है इट इज़ मार्क्ड अप बाई एटलीस्ट 3 to 5 times हर दुकान में, और फिनिश भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो और इफ़ यू आर न्यू टू फिश कीपिंग, आई थिंक यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। इसमें हम लोग दिखाएंगे, ये भी एक कस्टमाइज साइज का टैंक है, दिस इज 3 feet 21 inches इन विथ एंड द हाइट इज 2 feet। तो कस्टमाइज टैंक का तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, हम लोग लास्ट में बताएंगे कि इसका प्राइस कितना पड़ा हम लोग को ये जून 2021 में। तो आइए देखते हैं एक फिश टैंक इन अ वेरी वेरी फ्यू इजी स्टेप्स आप कैसे घर में बना सकते हो। टैंक बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप है बाइंग द ग्लासेस। अब जब ग्लास ऑर्डर देने जा रहे हो आपको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट, थिकनेस ऑफ द ग्लास, दिस डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन योर टैंक। आपका टैंक का जो साइज है, जो हाइट है, टोटल वाटर प्रेशर जो आ रहा है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। हम लोग का ये जो टैंक है इसमें हम लोग 8 mm का ग्लास यूज कर रहे हैं। सेकेंडली, टैंक का जो दो साइड पैनल है उसका लेंथ प्लस थिकनेस ऑफ द ग्लासेस इनटू 2 होगा आपका टोटल एक्वेरियम लेंथ। इस टैंक में टैंक का विथ है 21 inches और थिकनेस है ग्लास का 8 mm, तो हम लोग का वो घटा के साइड पैनल का जो हम लोग ने लेंथ लिया दैट इज 20.8 inches। तो आप लोगों ने देखा हम लोग कांच खरीद के लाए हैं, तो इसके बाद हम लोग टैंक सेटअप करेंगे। टैंक सेटअप करने के लिए जो पहला स्टेप है वो हम लोगों ने टैंक का जो बेस है, नीचे का जो कांच है वो ले लिया है। बाकी जो 4 कांच है, ये फ्रंट का, बैक का और दोनों साइड का, ये जो 4 कांच है वो ये जो बेस है इस बेस के ऊपर हम लोग लगाएंगे। तो ये है हमारा मास्किंग टेप। ये मास्किंग टेप से हम लोग यहाँ पर मास्किंग करेंगे। कहाँ करेंगे? जहाँ पे कांच बैठेगा, जो कांच का थिकनेस है, हम लोगों ने 8 mm का ग्लास लिया है तो 8 mm छोड़ के उसके अंदर हम लोग चारों तरफ मास्किंग टेप लगा देंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं चारों तरफ मार्किंग कर लिया मार्कर पेन से। अभी ये मार्किंग के अंदर मैं मास्किंग टेप लगाने वाला हूँ। तो यह है टैंक का साइड का ग्लास जिसका तीनों तरफ सिलिकॉन लगाना पड़ेगा, इस तरफ और नीचे। तो इसके लिए हम लोग इसको बाहर और अंदर दोनों तरफ से मास्किंग करेंगे। बाहर की तरफ ये पूरा एज के बराबर हम लोग मास्किंग करेंगे और अंदर में 5 मिलीमीटर छोड़ के हम लोग मास्किंग करेंगे, क्योंकि अंदर से हम लोगों को सिलिकॉन लगा के वो जगह सील करना पड़ेगा परमानेंटली। तो ये टैंक का साइड पैनल रेडी हो गया। अब देख सकते हैं मैंने बाहर और अंदर की तरफ मास्किंग टेप लगा दिया, जिसमें बाहर में मैंने एज टू एज मास्किंग टेप लगाया और अंदर में सिर्फ दोनों तरफ मैंने 5 mm छोड़ के मास्किंग टेप लगाया और नीचे एज टू एज लगा दिया। तो अभी आते हैं, ये फ्रंट या बैक किसी भी साइड में लगता है, तो इसका मास्किंग मैंने कैसे किया ये आप थोड़ा देख लीजिए। इसका बाहर वाला जो मास्किंग है, इसका बाहर वाला मास्किंग ये पूरा मैंने एज टू एज किया, नीचे दोनों साइड की तरफ एज टू एज किया। और इसका अंदर वाला जो मास्किंग है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा,
अंदर वाला मास्किंग है, यहाँ पे मैंने 13 मिलीमीटर छोड़ा है, क्योंकि जो साइड ग्लास है, साइड ग्लास का थिकनेस हमारा 8 mm का है, तो 8 mm ग्लास आके यहाँ बैठेगा, तो उसके बाद 5 mm मुझे सील करने के लिए रखना है, तो टोटल 13 mm मैंने यहाँ पे गैप रख दिया है, यहाँ पे भी और इस साइड में भी, और नीचे मैंने पूरा एज टू एज मास्किंग की है। तो अभी हम लोग टैंक फिटिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप है, जिसके लिए मैंने टैंक का जो बॉटम ग्लास है ये ले लिया है। उसके बाद हम लोग पहले साइड ग्लास बैठाएंगे, तो यह है सिलिकॉन गन, सिलिकॉन से यहाँ से यहाँ पे सिलिकॉन लगाएंगे और साइड ग्लास को बैठा देंगे। तो ये साइड ग्लास लग गया, अभी हम लोग इस तरह फ्रंट या बैक जो भी है वो ग्लास लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से सिलिकॉन डालेंगे, यहाँ से और ये साइड ग्लास के या साइड से। ये जो पेपर टेप है, अभी ये मैं ये दोनों कास्ट पे इस तरफ थोड़ा यहाँ पे थोड़ा लगाने वाला हूँ, जाते ताकि ये फॉर्मली अटैच रहे। तो हमारा ये दोनों एडजस्टेंट ग्लास बैठ गया, तो अभी हम लोगों को नीचे यहाँ पे नीचे दोनों तरफ सपोर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी का पूरा प्रेशर ताकि ले सके। इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने जो मास्किंग किया था उसको मैंने उठा दूंगा दोनों तरफ का। ये जो सपोर्ट है, ये ग्लास हम लोग ये नीचे बैठाएंगे, ताकि ऐसे बैठाएंगे ताकि ये पूरा वाटर प्रेशर जो है वो ले सके। तो आप देख रहे हैं ये नीचे का दो सपोर्ट लग गया इस तरफ और इस तरफ। अभी हम लोग ये कॉर्नर पे जो है, ये कॉर्नर पे हम लोग सिलिकॉन लगाएंगे पूरा सीलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सील कर दिया, अभी हम लोग अंदर का ये इस तरफ और इस तरफ का जो मास्किंग टेप है ये हम खोल देंगे ग्लू सूखने के पहले। तो हम लोग अभी इस साइड का ग्लास लगाने वाले हैं, के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ पर सिलिकॉन ग्लू लगाएंगे। तो ये साइड का ग्लास लग गया, तो अभी हम लोग यहाँ का मास्किंग और यहाँ पे हम लोग सीलिंग करेंगे, उसके बाद ये दो मास्किंग और नीचे का मास्किंग निकाल देंगे। तो हमारा ये साइड का ग्लास लग गया, इस तरफ सीलिंग भी हो गया। अभी हम लोग ये वाला जो सपोर्ट है ये यहाँ पे नीचे लगा देंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने तीनों तरफ का ग्लास लगा दिया। अभी फ्रंट ग्लास लगाने के पहले हम लोग यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे इस कॉर्नर पे। इसके लिए हम लोग ऐसा ग्लास यूज़ करेंगे जिसका
जिस ग्लास के नीचे से 4 इंच के ऊपर 4 होल्स किए हैं, टोटल 12 होल्स है, ऐसा 2 ग्लास हम लोग ऐसे 1 ग्लास दूसरा ग्लास इस तरफ बैठेंगे। हाँ, तो ये ग्लास फिट करने से पहले हम लोगों को मास्किंग करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को एकदम नीट फिनिश चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लगा के इसका दोनों तरफ मास्किंग करेंगे, इस तरफ भी वैसे ही। तो अभी हम लोग आगे का कांच लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को हम लोग पहले लगा देंगे, उसके बाद आगे का ग्लास लगा देंगे। तो हम लोग ये फ्रंट ग्लास लगा रहे हैं, इसके लिए हम लोग दोनों साइड ग्लास के एज में और बेस के ऊपर सिलिकॉन लगा दिया। इसके बाद हम लोग ये अटैच कर देंगे। और अंदर का तीनों तरफ का जो मास्किंग है वो हम निकाल देंगे, क्योंकि अगर ग्लू सूख जाएगा तो वो ग्लू के अंदर चिपक जाएगा। तो अभी हम लोगों का टैंक देख रहे हैं लगभग रेडी हो गया, सिर्फ ऊपर का सपोर्ट लगाना बाकी है। तो इसके लिए जैसे हम लोग नीचे का सपोर्ट लगाया है, ऊपर का सपोर्ट थोड़ा डिफरेंट है। वो है, हम लोग पहले फ्रंट और बैक का सपोर्ट लगाएंगे, उसके ऊपर मतलब उस ग्लास के ऊपर से दोनों साइड का सपोर्ट हम लगा देंगे। तो हम लोगों ने फ्रंट और बैक का सपोर्ट लगा दिया, ये जब तक सूख जाए तब तक हम लोग टैंक का पीछे और इस साइड जहाँ से टैंक का विजिबिलिटी नहीं है, ये दोनों साइड हम लोग विनाइल लगा देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग चारों तरफ का सपोर्ट लगा दिया, और दोनों साइड का जो सपोर्ट है वो हम लोगों ने फ्रंट ग्लास और बैक ग्लास का जो सपोर्ट है उसके ऊपर लगाया है। तो हम लोगों ने पीछे और एक साइड में विनाइल भी पेस्टिंग कर दिए। तो अभी टैंक को बहुत सुंदर भी दिख रहा है। अभी इसको 24 आवर्स हम लोग वेट करने के बाद इसमें पानी डालेंगे। तो दोस्तों, हमारा टैंक ये रेडी हो गया। तो आपने देखा कुछ आसान से कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम लोग कैसे यह टैंक सेटअप किया। तो अगर आपके घर में ऐसा टैंक सेटअप करना चाहते हो, अगर सेटअप करने के समय कुछ डिफ़िकल्टीज आए, तो कुछ क्वेश्चंस आए, तो हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू। हैप्पी फिश कीपिंग।